मैं राकेश सर, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे, पहली बार आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं भारत के इतिहास का। और भारत के इतिहास में सर्वप्रथम में अपन बात करेंगे, भारत के इतिहास का वीडियो लेकर आ रहा हूं और इंडियन हिस्ट्री में आज मुगल बादशाहों की। तो मुगल बादशाहों की बात करेंगे, यानी कि मुगल एम्पायर पढ़ने जा रहे हैं अपन, मुगल बादशाह। तो मुगल बादशाहों में आप सभी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस पटवार अन्य भर्तियों के विद्यार्थियों को ये देखने को मिल रहा है कि मुगल बादशाह जो है, उन मुगल बादशाहों में आप लोगों को ज्यादातर बाबर, हुमायूं, अकबर, यहां तक तो आप लोगों को बता दिया जाता है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और एंड में बहादुर शाह जफर, यानी कि मुगल बादशाहों में आपको सीधा सीधा यह बता दिया जाता है भाजसोब। तो भाजसोब तो आप लोग पढ़ लेते हो, जैसे ये बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, बहादुर शाह जफरदित्य, बी फोर बाबर, एच फोर हुमायूं, ए फोर अकबर, जे फोर जहांगीर, एस फोर शाहजहां, ओ फोर औरंगजेब, बी फोर बहादुर शाह जफरदित्य। परंतु आज अपन बात करते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, और 1707 में इसकी मृत्यु के बाद, यानी कि जो बहादुर शाह जफर है वो 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह बनता है। तो फिर 1707 से डायरेक्ट जो बीच में गैप आया है, इसमें कई मुगल बादशाह आप लोगों ने या तो पढ़े होंगे संभवतः है, या नहीं पढ़े होंगे। तो अपन बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफरदित्य को जनरली अपन लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आज मैं आप सभी विद्यार्थियों से बात करने जा रहा हूं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर जो बैठता है वो कौन सा बादशाह बैठता है। तो 1707 से और 12 तक, 1707 से और 12 तक राजगद्दी पर जो बैठता है उसका नाम है, उस मुगल बादशाह के नाम है, आप लोग पढ़ोगे, बहादुर शाह प्रथम। तो मैं बात करता हूं बहादुर शाह प्रथम की। देखो, ये औरंगजेब का बेटा था। पहली चीज आपको ध्यान रखनी, बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का पुत्र था। पहली बात आपकी समाप्त हो जाती है कि भाई बहादुर शाह प्रथम कौन था, औरंगजेब का पुत्र था। और बात करता हूं इसका वास्तविक नाम क्या था। तो देखो, इसका वास्तविक नाम भी आप सबको ध्यान रखना है भाई, इसका वास्तविक नाम था मुज्जम। क्या नाम था? मुज्जम। फिर बात करता हूं मैं कि जब औरंगजेब 1707 में औरंगजेब का देहांत होता है तो औरंगजेब के दो पुत्र होते हैं, आजम और मुज्जम। तो देखो, औरंगजेब के जो पुत्र होते हैं आजम वर्सेज मुज्जम, इन दोनों के मध्य राजगद्दी को लेकर युद्ध होता है। और राजगद्दी को लेकर जब युद्ध होता है, इन दोनों के मध्य राजगद्दी को लेकर युद्ध होता है, और वो युद्ध होता है 1707 में। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 1707 में होता है, और इस युद्ध को बोलते हैं जाजव का युद्ध। और इस जाजव के युद्ध में क्या होता है, इसे उत्तराधिकारी का युद्ध भी कह सकते हो आप लोग। और इस जाजव के युद्ध में एक घटना घटी है, और वो घटना ये घटती है कि हमारे राजस्थान का एक बादशाह था, मुगल बादशाह, जो मुज्जम और आजम के मध्य युद्ध होता है, उसमें राजस्थान का एक बादशाह था सवाई जयसिंह। ये क्या करता है, आजम का साथ दे देता है, लेकिन इस युद्ध को मुज्जम जीत जाता है। और मुज्जम जीतने के बाद ये मुज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजगद्दी पर बैठ जाता है। जब बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजगद्दी पर बैठेगा तो आपको पता है कि सवाई जयसिंह ने इनका साथ दिया था। तो सवाई जयसिंह ने जब साथ दिया था इनके भाई का, तो दुश्मनी मोल ले ली इन्होंने, इनसे दुश्मनी मोल ले ली उन्होंने। तो फिर ये बहादुर शाह प्रथम सीधा डायरेक्ट आमेर पर आक्रमण करता है
और आमेर या जयपुर पर आक्रमण करने के बाद उसका नाम रखता मोमिनाबाद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आमेर का नाम मोमिनाबाद किस मुगल बादशाह ने रखा था, ये बहादुर शाह प्रथम के द्वारा रखा गया था। अब सीधी सीधी सी बात है कि ऐसा बताया जाता है, कुछ लोग यूँ बताते हैं कि ये जो मुगल बादशाह बना था, ये सबसे अधिक उम्र में राजगद्दी पर बैठा था और ये लगभग लगभग राउंड फिगर में जोड़े तो 63 वर्ष की आयु में राजा बनाता है। 63 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठाता है, यानी सबसे अधिक उम्र में राजगद्दी पर या सर्वाधिक सर्वाधिक उम्र में मुगल बादशाह बनाता है। लगभग 63 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा था ये कौन? बहादुर शाह प्रथम। अच्छा, इसको एक उपाधि थी और उस उपाधि का जो नाम आप ध्यान रखोगे, उस उपाधि का नाम था साहे-बे-खबर। साहे-बे-खबर। तो किस मुगल बादशाह को साहे-बे-खबर की उपाधि थी? तो आपका आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम। एक बात और ध्यान रखना, एक इतिहासकार है सिडनी ओवेन, इस सिडनी ओवेन का कहना था कि ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, यानी कि ये अंतिम मुगल बादशाह था जो एक अच्छा शासक साबित हुआ। अंतिम मुगल बादशाह था ये जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। इसके बाद आने वाले मुगल बादशाह, यानी कि बिल्कुल उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। तो सीधी सीधी बात है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्रों में आजम और मुजम के मध्य एक युद्ध होता है, जाजव का युद्ध। उस जाजव के युद्ध में मुजम जीत जाता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजगद्दी पर बैठता है। इनका वास्तविक नाम रहता मुजम और ये आमेर पर आक्रमण करते हैं, आमेर या जयपुर पर आक्रमण करके उसका नाम रख देते हैं मोमिनाबाद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, अब देखो, इसके बाद जो मुगल बादशाहों के क्रम में इनके बाद जो बैठते हैं वो आ रहे हैं सात सौ बारह से तेरह और सॉरी 1712 से 1713, और ये जो मुगल बादशाह है ये है जहांदर शाह। जहांदर शाह। अब जहांदर शाह के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, ये बहादुर शाह प्रथम के बाद से, बहादुर शाह प्रथम के बाद यानी कि ये दिल्ली के शासक बनते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो शासक बने थे वो जुल्फीकार खा की मदद से शासक बने थे, मदद से, उनकी मदद से शासक बने थे। और जहांदर शाह ने इन्हें अपना, जहांदर शाह ने जुल्फी कार खा को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। जहांदर शाह ने अपना प्रधानमंत्री भी बनाया था। तो अगर पूछा जाए कि भाई राजा बने थे ये और राजा किसकी बदौलत बने थे, तो जुल्फी खा कार मदद की इनके योगदान से शासक बने थे ये, और जहांदर शाह ने इन्हें आगे चलकर अपना प्रधानमंत्री बनाया था। मित्रों, एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जहांदर शाह जब राजगद्दी पर बैठे थे तो जहांदर का के साम्राज्य में एक महिला दखल करती थी और उसका नाम था लाल कुंवर। लाल कुंवर नामक महिला इसके साम्राज्य में या इसके शासन में वो दखल अंदाजी करती थी। लाल कुंवर महिला इसके शासन में दखल अंदाजी देती थी,
यानी जो ये साम्राज्य का संचालन करता था लाल कुंवर महिला अपना सहयोग देती थी इसमें। यानी कि यहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे राजगद्दी पर तो ये बेटा जहांदर शाह, लेकिन यहां पर जो सारे नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं यह लाल कुंवर के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इसलिए इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि जहांदर शाह को एक उपाधि थी लंपट मूर्ख। बस आपकी परीक्षा में आप इतना सा ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को उपाधि थी, तो जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। जहांदर शाह के साम्राज्य में या साम्राज्य संचालन में और जो महिला अपना शासन काल में जो महिला अपना हस्तक्षेप करती थी उस महिला का नाम था लाल कुंवर। तो लाल कुंवर नामक महिला किस शासक के शासन काल में साम्राज्य के संचालन में हस्तक्षेप करती थी, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो लाल कुंवर थी। और लाल कुंवर जहांदर शाह के शासन काल में यानी कि हस्तक्षेप करती थी। इन्होंने जुल्फीकार खां की मदद से राजगद्दी पर बैठे थे और इन्हें आगे चलकर अपना प्रधानमंत्री भी बनाया था, और इनको लंपट मूर्ख जो मुगल बादशाह महिला के अकॉर्डिंग राज शासन कर रहा है वो, इसका मतलब है वो मूर्ख है और इस कारण इन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता था। ऐसा बताया जाता है कि इनके बाद आगे चलकर राजगद्दी पर जो बैठते हैं वो बहुत ही अच्छे राजा आपके सामने आ रहे हैं जिन्होंने आगे चलकर बहुत अच्छा कार्य किया था, तो वो है फर्रुखसियर। तो आप सभी ध्यान से देखोगे ये वो मुगल बादशाह है जो अक्सर छोड़ दिए जाते हैं, और पुलिस कांस्टेबल और पटवारी जैसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने का मुझे पूरा पूरा चांस लग रहा है। तो देखो 1713 से 19 और दिल्ली की राजगद्दी पर जो मुगल बादशाह बैठता वो बैठता फर्रुखसियर। गौर से देख लीजिए आप, टाइम पीरियड देख लीजिए आप। और ऐसा बताया जाता है कि अब्दुल्ला खां नाम याद रखना आप, साथ के साथ मेरे लिखते चलो आप। फर्रुखसियर पढ़ रहे हो आप, कौन सा मुगल बादशाह पढ़ रहे हो, फर्रुखसियर पढ़ रहे हो। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, नाम ध्यान रखना हुसैन अली खां। एक तो है अब्दुल्ला खां और एक हुसैन अली खां, ये दोनों थे सैयद बंधु। ये दोनों कौन थे, सैयद बंधु। और इन सैयद बंधुओं की वजह से फर्रुखसियर शासक बना था। यानी कि कह सकते हो कि सैयद बंधुओं ने हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां ने सहयोग किया था फर्रुखसियर का राजगद्दी पर बिठाने के लिए, या यूं कह सकते हो कि सैयद बंधुओं की मदद से अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से फर्रुखसियर राजगद्दी पर बैठा था। और ऐसा बताया जाता है कि इनको तो वजीर बनाया था, वजीर प्रधानमंत्री का पद होता था, और इनको मीर बख्शी बनाया था। क्या बनाया था, मीर बख्शी। अब एक बात बताओ, जब इन्होंने ऐसे पद इनको दे दिए, मीर बख्शी वजीर का पद दे दिया, तो ये आगे चलकर किसी को नहीं बख्शेंगे। और इन्होंने कई मुगल बादशाहों को मृत्युदंड दिया था और आगे चलकर इनको भी कोई ना कोई मृत्युदंड जरूर देगा। तो ऐसा मेरा मानना है कि जहांदर शाह जब राजगद्दी पर बैठा था तो लाल कुंवर का साम्राज्य में जो हस्तक्षेप था वहीं से ही मामला गड़बड़ स्टार्ट हो गया था। और इन मुगल बादशाहों को ज्यादातर लोग ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है क्योंकि यहां से एग्जाम में मैंने काफी क्वेश्चन देखे हैं। इसलिए आज का जो वीडियो में लेकर आया था वो इसीलिए लाया था क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, साजा, औरंगजेब को पढ़ने के बाद डायरेक्ट बहादुर शाह जफर पे चल जाते हो, और उसके बीच में यानी कि ये कितने में 1707 से आप डायरेक्ट कहां पढ़ते हो, 1857, यानी 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद आप डायरेक्ट 1857 पढ़ लेते हो, जबकि आपको ये कितने सारे मुगल बादशाह में पढ़ाऊंगा ये ध्यान से देखने जाना। अच्छा सुनिए आप, जब सैयद बंधुओं की मदद से फर्रुखसियर राजगद्दी पर बैठ जाता है, तो फर्रुखसियर राजगद्दी पर बैठने के बाद आपको याद हो तो फर्रुखसियर हमारे बूंदी पर भी आक्रमण करता है और बूंदी का नाम बदलकर यह फर्रुखाबाद कर देता है। तो यही वो व्यक्ति था जो बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर देता है। फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद किया था, यह आपको ध्यान रखना है। और ऐसा बताया जाता है कि कुछ लोग जैसे सिख नेता थे, और वो सिख नेता जो बंदा बहादुर थे, और सिख नेता बंदा बहादुर की इन्होंने हत्या कर दी थी। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या करने वाला
बंदा बहादुर की हत्या कर दी जो सिख नेता था। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने करी थी, तो ये फर्रुख शेर ने करी थी। इसको एक उपाधि है, ये उपाधि ध्यान रखनी है आपको, इसको उपाधि घृणित कायर, घृणित कायर इसको उपाधि है, आपको ध्यान रखना है कि घृणित कायर उपाधि किस मुगल बादशाह को है। तो सीधी सीधी सी बात है कि फर्रुख शेर राजगद्दी पर बैठता है सैयद बंधुओं की मदद से, और सैयद बंधु कोई आगे चलकर अब्दुल्ला खां को वजीर का पद देता है और हुसैन अली खां को ये मीर बख्शी का पद देता है। बूंदी पर आक्रमण करके फर्रुख शेर बूंदी का नाम फर्रुखाबाद कर देता है, और सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या करने वाला मुगल बादशाह पूछा जाए तो फर्रुख शेर है, और अगर उपाधि पूछी जाए घृणित कायर तो घृणित कायर भी किसे कहा जाता है, फर्रुख शेर को कहा जाता है। तो देखो अपने सर्वप्रथम में औरंगजेब के बाद एक तो अपन ने पढ़ा था बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के बाद अपन ने पढ़ा जहांदर शाह, जहांदर शाह के बाद में अपन ने पढ़ा फर्रुख शेर। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। लिख लिया। अब इसके बाद देखो चौथे नंबर का 1719 में राजगद्दी पर बैठता है रफी उद दरजात, रफी उद दरजात ध्यान से देख लीजिए आप, रफी उद दरजात। और मुगल बादशाहों में सबसे कम, सबसे कम समय तक राजगद्दी पर बैठा, सबसे कम समय शासन किया इसने, शासन किया। आप कहोगे गुरुजी परीक्षा में आ जाए कितने माह, चार महीने राजगद्दी पर बैठा है, और सैयद बंधुओं की मदद से शासक बनाता है, सैयद बंधुओं की मदद से शासक बनाए। अगर आपसे पूछा जाए कि रफी उद्दरजात सबसे कम समय शासन किया इसने, लगभग चार माह, और सैयद बंधुओं की मदद से शासक बनाता है, और इस रफी उद्दरजात की यानी क्षय रोग से, क्षय रोग यानी कि बोल सकते हैं टीबी, टीबी से देहांत हो गया। ये भी ध्यान रखना, आपको एक बार एग्जाम में पूछा था कि किस मुगल बादशाह का टीबी बीमारी से देहांत हो गया, क्षय रोग से देहांत हो गया, तो ये हो गया था रफी उद्दरजात का। या सबसे कम समय शासन किया वो किसने किया, रफी उद्दरजात ने किया। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। लिख लिया, ठीक है। इसके बाद राजगद्दी पर बैठते हैं, उसी वर्ष राजगद्दी पर बैठ जाते हैं रफी उद्दौला। ऐसा बताया जाता है कि रफी उद्दौला जब राजगद्दी पर बैठा, यह भी सैयद बंधुओं की मदद से राजा बना था, सैयद बंधुओं की मदद से शासक बना, यह भी सैयद बंधुओं की मदद से शासक बना। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि सैयद बंधुओं की मदद से शासक बनाता है, शासक बना, सैयद बंधुओं की मदद से शासक बना। और ऐसा बताया जाता है कि पेचिस यानी कि दस्त, पेचिस बीमारी के कारण इनका देहांत हो गया था। तो किस मुगल बादशाह का पेचिस की बीमारी के कारण देहांत हुआ था, तो आपके सामने लिख रहा है रफी उद्दौला। ध्यान रखना, इसको एक उपाधि है, आप लोगों को बता देता हूं, रिट्वीट में आ जाए, उपाधि है शाहजहां सेकंड, शाहजहां सेकंड की उपाधि
जिस मुगल बादशाह को है वो रफी उद्दोला है। तो देखो पेचिस बीमारी के कारण इनका देहांत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके बाद राजगद्दी पर जो बैठते हैं वो 1719 से और 48 तक राजगद्दी पर बैठते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 से 48 तक राजगद्दी पर बैठते हैं मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बैठते हैं भाई? मोहम्मद शाह रंगीला। ये 1719 से 48 तक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते हैं और ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला जब राजगद्दी पर बैठे थे तो इनके काल में खतरनाक आक्रमण हुआ था और वो तख्ते ताउस को भी उठा के ले गए था। और एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। और उस आक्रमणकारी का जो नाम है वो था नादिर शाह। नादिर शाह ने आक्रमण किया लगभग 1739 के आसपास, और 1739 के आसपास नादिर शाह ने आक्रमण किया और नादिर शाह ने दिल्ली को खूब लूटा और तख्ते ताउस को ले गया। तख्ते ताउस में जो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था वो कोहिनूर हीरा को वो निकाल कर ले गया। तो कोहिनूर हीरा ले जाने वाला अगर पूछे तो वो कौन है भाई? नादिर शाह है। और ऐसा बताया जाता है कि नादिर शाह जो था वो ईरानी था, और ईरानी था वो इसलिए वो यहाँ लूटपाट करने आया था। और इसके समय ऐसा बताया जाता है कि मुगल साम्राज्य कई छोटे छोटे भागों में बट गया था। तो किस राजा के समय, किस मुगल बादशाह के समय जो मुगल साम्राज्य था वो छोटे छोटे भागों में बट गया था? वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय की बात है कि साम्राज्य छोटे छोटे भागों में बट गया था। तो ध्यान रखना, नादिर शाह ने आक्रमण किया, कोहिनूर हीरा किसके समय ले गया? वो इसके समय ले गया। अच्छा, एक चीज याद रखना कि दो विद्वान रहते थे इनके दरबार में, एक का नाम था सदारंग व दूसरे का नाम था अदारंग। तो सदारंग व अदारंग दो संगीतज्ञ थे, और ये संगीतज्ञ किसके दरबार में रहते थे? संगीतज्ञ विद्वान थे, और ये संगीतज्ञ विद्वान सदारंग व अदारंग ये किस मुगल बादशाह के दरबार में रहते थे? तो वो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, अब ऐसा इसके बाद 1748 से और 54 तक, 1748 से और 54 तक आगे चलकर मुगल बादशाहों में जो राजगद्दी पर बैठता है उसका नाम है अहमद शाह। क्या नाम है? अहमद शाह। अहमद शाह राजगद्दी पर बैठ जाता है जब ऐसा बताया जाता है कि अहमद शाह के दरबार में एक नृत्य करने वाली महिला थी उदमबाई। ये उदमबाई महिला ध्यान रखनी है आपको, ये उदमबाई नामक महिला इसके दरबार में, ये नर्तकी की नृत्य करती थी इसके दरबार में, अहमद शाह के दरबार में उदमबाई नामक नर्तकी रहती थी। और दूसरी बात है, और जावेद खान हिजड़ा इसके दरबार में या इसके साम्राज्य में दखल रखता था। जावेद खान नामक हिजड़ा यानी कि ये इसके साम्राज्य में दखल करता था अहमद शाह के। और ऐसा बताया जाता है कि इमाद उल मुल्क ने इन्हें अंधा कर दिया था अहमद शाह को। तो उदमबाई नर्तकी किस मुगल बादशाह के दरबार में? अहमद शाह के दरबार में। जावेद खान एक हिजड़ा था, वो किस राजा के दरबार में हस्तक्षेप करता था? अहमद शाह के दरबार में करता था। और इमाद उल मुल्क ने इसे क्या कर दिया था? अंधा कर दिया था। क्या कर दिया था? अंधा कर दिया था। ये दो दो तीन तीन लाइनें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में। आप लोग इनको जितना याद करोगे है ना, बहुत ही अच्छा रहेगा आपको, है ना।
अब आगे चलकर मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि अहमद शाह के बाद जो मुगल बादशाहों का जो क्रम आ रहा है उसमें 1754 से 1759, आप ध्यान रखना बस, मैं तो औरंगजेब और बहादुर शाह जफर के बीच के राजा है उनके बारे में बता रहा हूं। छोटी छोटी चीजें अक्सर हमें हमारी परीक्षा से वंचित कर देती है, और आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, राकेश सर के होते हुए आपको ऐसा सामना करना ही नहीं पड़ेगा। और आलमगीर एक राजा आ रहा है, आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड। आप बोलोगे गुरु जी फिर आलमगीर फर्स्ट कौन है, तो आलमगीर फर्स्ट बोला जाता औरंगजेब को। मैं जस्ट एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको बाबर से, और वो बिल्कुल बाबर से लगाकर वो डायरेक्ट आपके आ जाएंगे औरंगजेब तक। तो ये राजगद्दी पर बैठे थे 1754 से और 59, राजा का नाम है आलमगीर सेकंड, आलमगीर फर्स्ट औरंगजेब को बोला जाता है, ये आलमगीर सेकंड है ऐसा बताया जाता है। इमाद उल मुल्क ने, इमाद उल्क, इमाद उल्क या इमाद उल मुल्क ने, इमाद उल जिन्हें उसकी वो अंधा किया था, इमाद उल मुल्क ने इसकी भी हत्या कर दी थी। पहले सैयद बंदों का दखल था, अब इमाद उल मुल्क मुगल बादशाहों की हत्या कर रहा है। ऐसा बताया जाता है कि 1759 से 1806 तक, ध्यान रखना 1759 से 1806 तक राजगद्दी पर बैठता है शाह आलम सेकंड। अब शाह आलम सेकंड के बारे में आप लोग बहुत महत्वपूर्ण बात पढ़ोगे, इसके काल में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, यह बहुत महत्वपूर्ण है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है शाह आलम सेकंड के काल में बक्सर का युद्ध हुआ था। और ऐसा बताया जाता है कि 1803 में, 1803 में जो अंग्रेजों का दिल्ली पर पूर्ण रूप से अधिकार हुआ था, वो अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार भी शाह आलम के काल में ही हुआ था। तो बक्सर का युद्ध भी इसके काल में हुआ था, और अंग्रेजों का पूर्ण रूप से दिल्ली पर अधिकार भी इसी के काल में हुआ था। और ऐसा बताया जाता है कि 1806 से और 37 तक जो मुगल बादशाह राजगद्दी पर बैठा था उसका नाम था अकबर सेकंड, अकबर सेकंड, अकबर सेकंड राजगद्दी पर बैठ जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि इसके समय मुगल सिक्के बंद हो गए थे, इसके समय मुगल सिक्के बंद हो गए थे अकबर सेकंड के समय। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, आपने एक समाज सुधारक का नाम पढ़ा होगा राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय, अब नाम पढ़ा होगा राजा राम मोहन राय, देख लो आप ये समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय आपने पढ़ा होगा, उसको राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। ये एग्जामों में काफी बार पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला कौन था, अकबर सेकंड था। उसके पहले राजगद्दी पर मुगल बादशाह कौन बना था, शाह आलम। अंग्रेजों का पूर्ण रूप से दिल्ली पर जो अधिकार हुआ था किसके समय हुआ था, शाह आलम सेकंड के समय होता। शाह आलम सेकंड के समय 1803 में अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, इससे पहले दिल्ली पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होता। और यहां पर एक संधि हुई थी, इनके मध्य बात हुई थी कि मुगल बादशाह को सिर्फ लाल किले के अंदर तक सीमित रखा जाएगा। इसके पहले आलमगीर सेकंड बेटा था इमाद उल मुल्क ने इसकी हत्या कर दी थी, आपको थोड़ा सा याद रखना है। और आगे चलकर फिर जो राजगद्दी पर बैठता है 1837 से और 1857 की क्रांति तक, इसको पढ़ते हो आप बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकिन, तो अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 की क्रांति के समय इसने क्रांति का नेतृत्व किया था, और इस मुगल बादशाह की जो मृत्यु हुई थी, ये मृत्यु हुई थी आपको पता है
ब्रह्मा में हुई थी इनकी मृत्यु, इनको जेल में डाल दिया गया था, है ना, वर्तमान नाम है म्यांमार, वो जेल थी रंगून जेल, और वहां पर इनकी समाधि पर लिखा गया है कि हे बहादुर शाह जफर, तू कितना बदनसीब है कि तुझे भारत में दफनाने के लिए 2 गज जमीन तक नहीं मिली। तो यहाँ पर सभी मित्रों को मैं बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो लेके आया था, है ना, थोड़ा सा जल्दबाजी वाला वीडियो था, तो आप लोग ध्यान रखना, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर के बीच में जो राजा थे उनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है, ठीक है ना, है ना। अगला जो वीडियो मैं लेके आऊंगा वो बहुत जल्द मैं वीडियो लेके आऊंगा, यानी कि बाबर से लगाकर और औरंगजेब तक। आप लोगों को एक विशेष सूचना देनी थी, वो ये विशेष सूचना ये देनी थी कि श्रीजी क्लासेज के द्वारा, श्रीजी क्लासेज के द्वारा रिट आने वाली जो 2 अगस्त को जो एग्जाम है, ये 2 अगस्त को एग्जाम में कुछ बच्चों का थोड़ा सिलेबस का जो वजन है वो कम करने का एक तरीका में अपनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें क्लासें चलाई जाएगी शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के साथ क्लास चलाई जाएगी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल वालों के, एक तो मैथ्स की क्लास चलाने की योजना बनाई जा रही है, शिक्षा मनोविज्ञान और फर्स्ट और सेकंड जो 1 से 5 तक और 6 से 8 तक जो साइंस मैथ के टीचर हैं और प्राइमरी वाले हैं उनके मैथमेटिक्स दोनों के कॉमन है। दूसरा एसएसटी प्लस शिक्षा मनोविज्ञान, एसएसटी और शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास की योजना श्रीजी क्लासेज के द्वारा लाई जा रही है, जिसमें ऐसा बताया जाएगा एसएसटी का जो 60 क्वेश्चन वाला जो मामला है और शिक्षा मनोविज्ञान का जो 30 क्वेश्चन वाला मामला है और इधर भी वही 90 क्वेश्चन वाला जो मामला है, इसकी तैयारी के बारे में विशेष रूप से, है ना, बहुत ही जल्द आपको लगभग 16 तारीख से समय रहेगा, 16 मार्च से, जो 16 मार्च से समय रहेगा, ये समय रहेगा शाम को 4 से 8, जिसमें यानी कि रिट की तैयारी करने वाले फर्स्ट लेवल साइंस के विद्यार्थी और सेकेंड लेवल साइंस मैथ के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान प्लस मैथ की क्लास, और एसएसटी वाले विद्यार्थियों के लिए एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी या और शिक्षा मनोविज्ञान, 3 घंटे क्लास यहां दी जाएगी और 3 घंटे क्लास यहां दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप सभी विद्यार्थी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 9001564492। धन्यवाद।